शाहबाद के गांव संभाल की किशन गढ़ में आज विधायक रामकरण काला ने नारियल तोड़कर व लड्डू बांटकर सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि यह सड़क जीटी रोड से लेकर गांव हलदेड़ी तक बनाई जाएगी। विधायक रामकरण काला शाहबाद के गांव-गांव में जाकर लोगों के लिए सड़कों की सुविधाओं के लिए कड़े प्रयास कर रहे हैं। विधायक रामकरण काला के साथ गांव संभाल के सरपंच सतीश कुमार व अन्य ग्रामीण लोग भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि बीते समय आई बाढ़ से जो भी सड़कों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए विधायक हम ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी और मार्केटिंग बोर्ड और गांव के 37 गलियों का टेंडर जो है वो पास करवा दिया गया है। आपको बता दें कि इससे बनने वाली सड़क का टेंडर 81 लाख रुपए का बजट बनाया गया है, जिससे गांव वासी खुश नजर आ रहे हैं और विधायक रामकरण काला का आभार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं गांव संभालकी के सरपंच सतीश कुमार ने कहा कि विधायक रामकरण काला का हाथ उनके गांव के ऊपर है। जब जब मुसीबत आई है तब तब विधायक ने उनका साथ दिया है और कहा कि वे तन मन से विधायक के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि विधायक रामकरण काला के चुनावों के समय में जो उन्होंने वायदे किए थे उनको पूरा करवा रहे हैं, जिससे शाहबाद की जनता खुश है। वहीं विधायक रामकरण काला ने कहा कि मुझसे पहले जितने भी विधायक बने किसी भी विधायक ने सड़क को पक्का नहीं करवाया। यहाँ पर उन्होंने पूर्व विधायकों पर भी तंज कसते हुए कहा कि बहुत से विधायक आए और गए जिनका पता भी नहीं चला, जो गिनती में भी नहीं आए और अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाए। विधायक रामकरण काला ने कहा कि जलेबी पुल से लेकर भुक्कड़ माजरे तक भी सड़क का टेंडर लग चुका है। इसी बातचीत में विधायक रामकरण काला ने जई एक्शन और पीडब्ल्यूडी व तमाम अधिकारी व प्रशासनों का आभार व्यक्त किया। जो है हम उसका रोड खुला लें, उसका रोड में काम होगा। बाकी आपने देख ही लिया, आप पत्रकार बंधु हमारे साथ भी देते हैं, आप सारा कुछ करते हैं। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूँगा पत्रकार बंधु होगा, ताकि आपने पता है कि आज मजबूरी क्या है, आज परेशानी क्या है। हमारी परेशानी ये का हम एक तो अनपूर्ण प्रोमेंट नहीं काम कर सकते, दूसरा हम एडवांस में नहीं काम कर सकते। एडवांस में काम कर लिया तो अपना पता है भी 45,000 रुपये किस वजह से रुक रहे और किसने रुकवा रखे, वो मैं नहीं भुगतूँगा उसका खर्चा। ठीक है, 10 दिन पहले टेंडर लग गया तो उसका 10 दिन पहले कर लिया, जनता की मांग थी। आपके पिछले बस से यहीं बैक साइड में जनता की मांग थी, जनता का बहुत बुरा हाल था। जैसे आज किशनगढ़ रोड पर मैंने सब ले लिया, सीख लिया भी जब तक टेंडर नहीं होता, जब तक ठेकेदार टेंडर नहीं ठंडा, मैं काम नहीं लगाऊंगा। बेशक में जनता के साथ खिलवाड़ किया गया, जिन्होंने आज ये सड़क ना रुक दी, ये काम मैं एडवांस में करा देता। आज ये मेरा नहीं पूरा करा, मैं जनता का पूरा करा, जिसने कोर्ट में अर्जी लगाई, जिसने कोर्ट में लगा रखी। अब 2-4 दिन में 10 दिन में मैं उसको पता उस बंदे को सामने ले दूंगा। अभी बंदे ना कोर्ट में अर्जी लाई, ये गली नहीं बननी चाहिए, यहाँ भी लोग धक्के खाने चाहिए, पब्लिक को जनता को धक्के खाने चाहिए। मैंने जनता के लिए बढ़ाई, मैंने अब उतरा, पर बाकी उन लोगों को बता दूंगा जिनको जिन्होंने उस पर स्टे ले रखी और जिन्होंने गली रुकवा रखी। मैं उन सारे उतारा ना सारे ना जितने कॉलोनी सब ना इकट्ठे करूँगा। अभी इन लोगों से पूछो जो वोट मांगने के लिए आए, अरका वोट मांगने के लिए आएंगे, ये क्यों रुकवाते हैं। चलो काम हो गया, मैं मानता हूँ ठेकेदार गलत काम करा, गलत मटेरियल ले रहा, उसकी इंक्वायरी कराओ, उसका पर्चा दर्ज कराओ, मैं साथ हूँ। मैं 1919 वार्ड में करा, अभी पूरे एमसी अपने वार्ड में काम करो, कोई दिक्कत नहीं, मरना पूरा नहीं करा था। बढ़िया सड़क है, स्कूल में हमारे सरदार जी खड़े मेरे सामने खड़े, भी कितने बसा गिर थी यहाँ, मैंने 10 दिन वहाँ बनाई थी। टेंडर तो हो ही रहा था सर, गलत काम थोड़ी है इसका, कोई बात नहीं। अब मैं जितना इसका बनाऊंगा ना, जी भी आप पत्रकार खोलूँगा खुलाजा सारा, सारे शहर में इकट्ठा करूँगा मुझे। ये देखो ये वोट मांगने के लिए आपके पास है, जनता काम रखा। आज किशनगढ़ के रोड के ऊपर मैंने 81 लाख की लागतें मैंने सड़क मंजूर कराई। मैं डिप्टी सीएम साहब का भी धन्यवाद करूँगा, सीएम साहब का करूँगा, पूरे प्रशासन का धन्यवाद करूँगा। आज जितनी भी मार्केट बोर्ड की सड़क या पीडब्ल्यू सड़क, मैं कोई भगवान को कोई ना रुकवा ना, कोई अड़चन ना पावा, बीच में कहीं मतलब कोई नज़र ना लगावा, तो ये सड़क पूरी पूरी दिवाली तक में पूरी 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 मार्केट बोर्ड की है, चाहे पीडब्ल्यू की है, चाहे कोई पुली है, चाहे कुछ भी है, चाहे लाडवा रोड के नीचे जो काम चल रहा, हमारी भी मेरी मजबूरी है, जनता ने पता है। पूरे शाहबाद वाले में पूरे में शाहबाद के दुकानदार व्यापारी भाई मैं सबको ये कहूँगा, मंडी के अंदर कितनी बढ़िया सड़क बन रही, पीडब्ल्यू के अंदर कितनी सड़क बनेंगी,
मार्केट की बोर्ड की कितनी सड़क आज तक 20 साल से जब तक सड़क मार्केट की बोर्ड की जब चला साहब ने बनाई थी किसी ने भी टक्के लगाने का काम नहीं करा था। अब मैं सड़क बनवाऊँ ना आपसे जहाँ जहाँ काम शुरू हो गया संभाल की मैं वहाँ अमूर्त होगा डल्ले माल जो थे अंधेरी मंडी शांति नगर थे वहाँ काम लगा क्योंकि ठेकेदार हैं। अभी देखो इन्हें टाइम लगा अब प्रशांत के अंदर लुक वाली सड़क नहीं बन सकती नहीं बार बार टेंडर हो बार बार की प्रशांत का मौसम आ रहा है जो आज आपने जो पड़ी प्रशांत की उसको पहले वैसे आज हमारे जिम्मेदार मजदूर दुकानदार बड़े परेशान हैं पानी की बाढ़ की वजह से जो नुकसान जिम्मेदार मजदूर का हर 36 व्यादी का नुकसान है घर से लेकर खेत तक मीन का भी निकुंबा मीन का भी भरपूर होना चाहिए। और जो ये सड़क में बनाने लग रहा किसमें रोड पर ठेकेदार से मैंने बोल दिया अधिकारी ने बोल दिया जिस सड़क पर काम ला दे काम बेसर रुकना बेसर आप 10-10 सड़क सारे ठेकेदार में 4-5 ठेकेदार एक साइड में नाला लगेगा दोनों साइड में और ये 850 मीटर ब्लॉक की बनेगी और 850 मीटर बनेगी लुक की ये किशनगढ़ तक आपका हमारे गाँव सारे जुड़ जाएंगे इसमें और भी जीत जाते हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो बच्चे जैसे स्कूल में जाते हैं तो गिर के चोटिल भी होते थे तो काफ़ी समय से मांग चलने के बावजूद हमने विधायक जी को बोला और विधायक जी ने तुरंत एक्शन दिया और इस पर जो पत्थर वाली सड़क आधी पत्थर वाली बनेगी और आधी आरसी दूसरी बनेगी लुक वाली। हम बातचीत करेंगे जी का मैं बहुत बहुत अपने गांव वाले की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ दोबारा फिर विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ कि इनके प्रयासों से इस सड़क का काम आज शुरू हो गया। धन्यवाद।